दोस्तों 15 अगस्त में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कोई ऐसी शॉप जो होलसेल प्राइसेस में पतंगें कम रेट में अवेलेबल करा सके और लोकली दिल्ली में कहीं पे भी, ऐसा ना हो कि हमें कोई स्पेशल बड़ी मार्केट जाना पड़े और वहाँ पे चूज़ करना पड़े। तो कैसा रहेगा अगर आपको दिल्ली के बीच में ही कोई ऐसी दुकान मिल जाए जिसमें बहुत अच्छा सामान मिल रहा है और कम दामों में मिल रहा है और छतों के मतलब का मिल रहा है। मैं मैदानी सामान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मल छत के यूज़ के लिए। तो ऐसे ही मेरी जो सर्च थी उसमें मेरे को ना किशोरी काइट का पता चला, मंडावली में जो शॉप है। तो भाई मैं भी आईपी एक्सटेंशन में रहता हूँ तो बहुत पास में है ये मेरे घर के। तो यार इनके मैंने विज़िट करी तो देखा इनके पास स्टॉक बहुत सारा है, इनके पास इवन गोडाउन भी है और पूरा गोडाउन फुल भरा हुआ है सामान से। तो इनके पास देखो पतंगों का कितना ज़बरदस्त स्टॉक है, इनके पास चरखी खाली चरखी पतंग से, इवन ये लालटेन देखो लालटेन भी है, पतंग के सेट खाली चरखी मैदानी मांझे नौबरन मांझे सारे अवेलेबल हैं। तो मैं ये सारे अभी आपको दिखाता हूँ जितने कर पाया कवर, अदरवाइज़ आप इनसे कॉन्टैक्ट करके भाई इनसे डिटेल्स ले सकते हैं कि इनके पास क्या क्या है और किस रेट पर मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से भाई ईस्ट दिल्ली में मंडावली में बहुत अच्छी शॉप है ये और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, काफ़ी चीपर रेट्स हैं इनके। तो अभी सब कुछ कवर करके आपको दिखाते हैं। तो ये वीडियो भाई पूरा ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बने रहिएगा काइट क्रेजी जोन पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने काइट क्रेजी जोन में। तो दोस्तों आज मैं एक तो बहुत फेमस शॉप है मंडावली में, किशोर काइट सेंटर का नाम से जानते हैं इसको, बट यहाँ पे किशोर एंड सन्स ट्रेडर्स लिखा हुआ है। तो इनकी शॉप भाई बहुत साल पुरानी है, ये वाली शॉप जो है ना ये नई खुली इन्होंने, इसमें गोडाउन भी अंदर, तो ये करीब 3 या 4 साल पुराना है। बट इनका काम 35 साल पुराना है और इनकी एक परमानेंट शॉप भी है, मेन रोड पे लगाते हैं। ये वाली शॉप जो है इन्होंने ना थोड़ी अंदर एरिया में लगाई है और बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन, देखो बड़ी बड़ी पतंगे भी हैं प्लास्टिक की और कागज़ की, मांझे भी हैं, तो देखो सारी पतंगे लगी हुई हैं। अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ इनका सारे स्टॉक का, ठीक है। तो भाई अंदर जाके अब मिलेंगे हम तरुण भाई से जो इनके प्रोपराइटर हैं। देखो आज के इस वीडियो में मेरे साथ ध्रुव भाई भी हैं, ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और पिछले साल ये गिव अवे में पतंगे भी जीते थे, तो इस बार इन्होंने भाई इनको भी थोड़ी पतंग चाहिए थी इसीलिए हम तरुण भाई के पास इनको ले आए हैं। तो इनका स्टॉक भी देखेंगे और कुछ पतंग भी लेंगे ध्रुव भाई। तरुण भाई वैसे सारा दिन बिजी रहते हैं क्योंकि इनका मेन काम होलसेल का है, रिटेल में बहुत कम डील करते हैं, बट आजकल के टाइम में देखो जब पूरा जैसे सीज़न चल रहा है ना तो रिटेल में भी सामान मिल जाएगा। तो आइए मिलते हैं तरुण भाई से। तरुण भाई नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया जी भाई। तो भाई थैंक यू सो मच आपने अपनी शॉप पर वीडियो बनाने के लिए परमिशन दिया ना। तो भाई एक चीज़ ये बता दीजिए, अगर किसी को आपकी शॉप पे आना हो तो लोकेशन क्या रहेगी आपकी, कैसे आप जी? आप ये हमारे इधर ही है मेट्रो स्टेशन, एक है क्या कहते हैं लक्ष्मी नगर में, ये सकरपुर में निर्माण विहार, और दूसरा इधर है विनोद नगर मंडावली मेट्रो स्टेशन है। तो जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से बैटरी रिक्शा वगैरह कुछ आ जाता है? हाँ जी, और पतंग की दुकान है और इधर लांबा साइकिल है लोकेशन के लिए, और मेरी शॉप गली नंबर 7 में है, D18/1। भैया अपना कोई कार्ड दिखा? हाँ जी कार्ड है, मगर उस पर शॉप का एड्रेस प्रॉपर नहीं है, उधर दूसरी वाली शॉप का है, घर का है एड्रेस, बाकी का मेरा नंबर और मेरा मोबाइल नंबर सब है। तरुण भाई का नंबर दे रखा है इसमें। तो स्टॉक भाई आपको सारा मिल जाएगा, कैसी भी पतंग चाहिए, छोटी से बड़ी पतंग हर तरह की पतंग मिल जाएगी, चरखड़ी मिल जाएंगी, मांझे मिल जाएंगे, सद्दी मिल जाएंगी, मतलब पतंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन ये देखो ये लैंटर्न भी मिल जाएंगे जो 15 अगस्त में मुड़ाते ना स्काई लैंटर्न, ये भी मिल जाएंगे। तो देखो हमारे ध्रुव भाई भी यहाँ पे बैठे हैं। ध्रुव भाई कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। तो भाई आप भी पतंग लेने आए हो? हाँ जी, आपके साथ पतंग लेने आया। चलो सही भाई, शुरू करते हैं, फिर देखते हैं भैया से स्टॉक। ठीक है चलिए, यहाँ पे हम आ गए हैं भैया का, अब जितना स्टॉक है ना सारा दिखाएंगे एक एक करके। तो ये भैया हमारे सारथी हैं इस वाले काम में। भैया आपका क्या नाम है? भाई मेरा साबिर नाम है। साबिर। तो साबिर भाई हमें सारा स्टॉक दिखाएंगे आप। तो दिखाओ भाई ये कौन सी पतंग है? ये भाई बामची पतंग है, 4 वाली। ये 4 रुपये मतलब 400 रुपये सैकड़ा वाली? नहीं, 100 रुपये की 100 पतंग है ये। 100 रुपये की 100 पतंग है? अरे भाई सही है भाई। ये किससे बड़ी है ये वाली? 120 रुपये। ये 120 रुपये की 100 है। 170 रुपये की 100। ये सारा होलसेल रेट बता रहे हैं और ये सारा ना प्लास्टिक की छोटी पतंग है, छोटे बच्चे उड़ा सकते हैं छत पे। ये बड़ी है ये वाली, 160 रुपये। ये 160 रुपये की 100 पतंग। ये 280 रुपये की प्लेट
ये फैंसी प्रिंटेड 280 रुपए की 100 पतंग है। साबिर भाई ने हमें दिखाई है, बहुत बढ़िया बढ़िया पतंग दिखा रहे हैं साबिर भाई। अब देखो कौन सी पतंग निकालते हैं जखीरे में से। 380 रुपए ही जाएगा भाई। 380 रुपए पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, पर कट जाएगा भाई पतंग है। 260 रुपए ये 260 रुपए की 100 पतंग है। ढाई वाली, ढाई वाली, अच्छा ढाई वाली साइज है ये। हाँ ठीक है भाई, आ गई अद्धी 400 रुपए। ये प्लास्टिक में अद्धी आ गई 400 रुपए की 100 पतंग। मेटल में 600 रुपए, ये 600 रुपए की 100 पतंग। फैंसी पतंग के शौकीन जो है ना वही पतंग ले सकते हैं। 700 ज़्यादा वाली, ये 700 रुपए की 100। ये भाई 850 पौना तिरंगा, ये पौना है तिरंगा, पौना है 850 रुपए का 100 पतंग। बाकी देखो ऐसी पतंग जिसमें तिरंगा पूरा बनाओ और चक्र भी बनाओ ना, तो ऐसी पतंग को भाई आप कलेक्शन के लिए रखे तो बेटर है, क्योंकि कट के कहीं गिर जाती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है भाई। 220 रुपए से। ये कौन सी पतंग है भाई? तीन वाली भाई, तीन वाली, ढाई से ऊपर होती कोई है? अच्छा तीन की बिकती 120 की, 220 की 100 पतंग है। 220 रुपए की 100 पतंग है। एक ज्यादा ढाई वाला, ये ढाई वाली पतंग आ गई एसके 320 रुपए। रामपुर की पतंग है एसके की ढाई वाली, कितने की भाई? 320 की, 320 रुपए की 100 पतंग है। तो भाई आओ तो कम से कम 50 या 100 पतंग तो ज़रूर लो, क्योंकि रिटेल में इनका रेट बढ़ जाएगा। मजूली 350 रुपये, ये भी भाई रामपुर की है। हाँ 350 रुपये की 100 मंजोली। ये छोटा तिरंगा आ गया 220 रुपये। ये 200 रुपये की 100 पतंग है, मेरा भारत महान लिखा, आई लव माई इंडिया, बहुत बढ़िया पतंग, क्वालिटी, छत पे उड़ाने लायक है छोटे बच्चों के लिए। भाई ये फैंसी पतंग है राइस की, तिरंगा 400 रुपए वाला, ये 400 रुपए की 100 पतंग है मंजोली, मंजोली साइज है तिरंगा में। ये मंजोली आ गया राइस का, ये रेंट वाला फैंसी में मंजोली रईस भाई रामपुर ना। हाँ रामपुर की भाई, कितने क्या रेट बताया? 400 रुपए। ये 400 रुपए की 100 पतंग है। ये डिज़ाइन इसमें और भी हैं? ठीक है इसमें और भी भाई, 6 डिज़ाइन बता रहे हैं भैया। यदि भाई 500 रुपए की 100 पतंग, अद्धी 500 रुपए की 100। ठीक है भाई, तो इनके कमान ठड्डे कैसे छिले हुए होते हैं क्या? नहीं, तुलसीपुर। अच्छा ठीक है, मतलब इसमें ये है कि कमान ठड्डे वैसे छिले हुए और सिके हुए नहीं होते, बट नॉर्मल लगे हुए, और मैंने चेक भी करके देखे तो सेट फिट थे भाई। मंजोली आएगी एसएस की 480 रुपए, एसएस की मंजोली 480 रुपए की 100। ठीक है, फरक्खाबाद की मंजोली, देखो फरक्खाबाद की पतंगें अच्छी होती हैं थोड़ी। 650 रुपये, ये 650 रुपये की 100 पतंग है मंजोली फरुखाबाद। ठीक है, मेन काम इनका होलसेल का ही है भाई, रिटेल में कम ही डील करते हैं, इसीलिए सैकड़े का रेट बता रहे हैं। अद्धी आएगी 600 रुपये, एसएस, एसएस की अद्धी 600 रुपये की सैकड़ा। ये भाई एसएस कहाँ के हैं? बरेली, बरेली की अद्धी भाई, फरक्खाबाद की अद्धी। हाँ भाई ये सही लग रही है, फरक्खाबाद की अद्धी भाई। ये कितने की? 850, 850 की 100 फरक्खाबाद की अद्धी। भाई ये पौनी आई रईस की, रईस की पौनी, रामपुर रईस की पौनी 650 की 100 भाई, सही है 650 की 100। छत के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी है, मैदान में नहीं चलेगी भाई, ये बिल्कुल होलसेल का रेट है, और ये ना छतों पे नहीं चले, मैदान में नहीं चलेगी, छतों के लिए बहुत अच्छी है। ये पौनी आएगी भाई एचएस की बरेली, ये भी एसएस बरेली की पौनी, सही भाई। ये कितने का भाई? 850, ये 850 की 100 पतंग है भाई। ये भाई अब भाई ने निकाल दी मैदानी भाई, साइज पौना है ना ये? हाँ। अच्छा ये कहाँ की? बरेली, बरेली का पौना आ गया या? मैदानी, ये मैदानी है बिल्कुल, छिला हुआ सिका हुआ होगा। चलो भाई ये कितने का? 1500 की 100, ये 1500 की 100 मतलब 15 रुपए की एक पतंग है। एक
इसी में ये आ गई पटियाल में आ गई 1800 ये 1800 की 100 है ठीक है। इन भाई साहब के पास देखो ये वाले पैकेट भी हैं ऐसे 20 पतंग का मंजोली पतंग का सेट है ये पैकेट। भाई एक बार पलट के दिखाना डिज़ाइन देखो इसमें सारे डिज़ाइन मिक्स हैं सारे डिज़ाइन इसके अंदर ही मिक्स होते हैं। और कितने का आता भाई ये पतंग 120 रुपये का 120 रुपये की। और कहाँ की पतंग है ये नहीं हमारे घर में बनती है पर्सनल है अच्छा भाई नहीं पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है इनकी तो 20 पतंग 120 की आती हैं। तो साबिर भाई भाई अब दिखाएंगे सद्दियाँ और ये रिटेल रेट बताएंगे भाई इनका होलसेल रेट नहीं होगा भाई। ये सद्दी कितने की है भाई 5 की बिकती है ये 5 की है ठीक है। ये तो लोकल सद्दी हो गई हाँ छोटी सद्दी ठीक है। और इसमें वैरायटी और क्या क्या भाई 30 रुपये बिकती है। क्या नाम है इसका किरण अच्छा जेवरा बना हुआ हाँ जेवरा जीराब ठीक है। ये कितने का बताया आपने 30 रुपये बिक्री का 30 रुपये का एक गिट्टा इसका ठीक है ठीक है। ये कलरफुल सद्दी के शौकीनों के लिए कलरफुल सद्दी भी है ठीक है भाई। ये गिट्टा कितने का होगा 40 रुपये का 40 रुपये का एक गिट्टा है ठीक है। और भाई देखो सद्दियों का तो बहुत सारा स्टॉक है तरह तरह की सद्दियाँ हैं वाइट लो कलर में लो। और भाई इन सब के वो क्या होगा नंबर 3 नंबर सद्दी है कि 4 नंबर सद्दी होगी 4 नंबर होती है ये 4 नंबर है। ये कर्मा 8 ये 50 रुपये ये 50 रुपये का गिट्टा सद्दी का। भाई कितना लंबा होगा ये कुछ लिखा है वो 700 मीटर 70 ग्राम का ठीक है। भाई ये दिखा भाई ने 160 रुपये ये है कौन सी बैलून 250 ग्राम बैलून का 250 ग्राम का गुल्ला कितने का 180 160 रुपये का गुल्ला ठीक है भाई। और 400 ग्राम का ये बैलून का 400 ग्राम का गिट्टा ये कितने का है भाई 220 रुपये 220 का ठीक है। ये बैलून का कलरफुल में आ गया देखो कलर के शौकीनों के लिए ठीक है। और रेट भाई 250 रुपये ये 250 हो गया ठीक है। ये आ गया काला चांद का देखो सद्दी ये भी काफ़ी चलती है आजकल ये वर्धमान की है काला चांद ठीक है। ये कितने ग्राम का गिट्टा भाई 90 ग्राम का होता है 90 ग्राम का ठीक है। और कितने का ये 80 रुपये 80 रुपये की सद्दी वाली ये 100 ग्राम में भी आ गई बैलून की ठीक है भाई। ये कितने की होगी 90 रुपये ये 90 रुपये की 100 ग्राम बैलून भाई का हाई फ्लायर और इसके विक्टर के भी है ना विक्टर का देखो ये बड़ा गिट्टा ये 6 कॉर्ड ठीक है। ये कितने का पड़ेगा भाई 200 रुपये कितने ग्राम है 400 ग्राम 400 ग्राम विक्टर 200 रुपये का सही भाई। इसमें कलरफुल भी है ना ऊपर उसका रेट वैसे ही बता दो दिखाओ मत रेट बता वो 240 का ठीक है। और ये जो नीचे विक्टर के नीचे भी रखे हैं वो सेम है सेम है सही है ठीक है। तो साबिर भाई बड़ी पतंग जो ऊपर लग रही है कितने की है ये 1700 की 100 पतंग 1700 की 100 ये तावा साइज है हाँ। तावा साइज देखो बहुत बड़ा साइज है। और ये भाई ये सामने जो रखी है ऊपर झाड़ वाली झाड़ वाली 2200 रुपये ये 2200 की 100 और कागज़ वाली भाई ये भी पॉलीथीन है ना पॉलीथीन की 2200 रुपये की बीच वाली 2200 की है और राइट साइड वाली इधर वाली लेफ्ट वाली ये 1300 रुपये ये 1300 रुपये की 100 है और ये राइट वाली हाँ सेम ही है सेम है दोनों सेम अच्छा डिजाइन लगे अलग अलग ठीक है और भाई वो जो तिरंगा लग रहा है वहाँ पे 60 रुपये की एक पतंग 60 रुपये की एक पतंग भाई सही है। अगर शौकीन लोग जो है ना 15 अगस्त पे तिरंगा उड़ाना चाहते हैं तो ये वाली पतंग भी बहुत बढ़िया बट इसके लिए आपको चाहिए होगा पांडा 9 तार या 12 तार ठीक है ना नॉर्मल मांझे से नहीं उड़ेगी। देखो मांझों की वैरायटी भी काफ़ी सारी हैं मैदानी मांझे भी होते हैं इनके पास और पांडा भी रखते ही होंगे बस एक ही चीज़ नहीं रखते क्योंकि सामने ये रखा है देखो प्लास्टिक का धागा नहीं रखते और प्लास्टिक का धागा ना बेचते ना किसी को बेचने देते हैं देखो। और ये किसी को ख़रीदना भी नहीं चाहिए भाई क्योंकि लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पतंगबाजी से।
साबिर भाई अब दिखाएंगे मांझे कौन से इनके पास। तो भाई ये कितने रील का मांझा है? ये 3 रील का भाई। 3 रील का मांझा कितने का पड़ेगा भाई? 300 रुपये का। 300 रुपये का। और डोर कौन सी होगी? डोर भी होगी छह तार मतलब 1-2-3 होगी? नहीं मेरे बैग के अंदर एक जो वाला आएगा भाई, दूसरा कारीगर है ये, दूसरा। ये भी 3 रील है और प्राइस 400। ये 400 रुपये का। तो भाई छतों के सीजन, छतों के टाइम के लिए ना आपको ऐसे ही मांझे चाहिए जो सस्ते हों और छत पे काम चल जाए। ये भाई ये वाला 6 रील में। ये 6 रील मांझा आ गया 550। ये 6 रील देखो 550 का, कितना किफ़ायती है। बस इनका ये पता नहीं होता कि रील कितने, 900 मीटर का रील तो नहीं होगा इसमें? 900 मीटर। अच्छा ये वाला एक रील में। ये एक रील है? अच्छा 180। ये 180 का पांडा है क्या? ये 4 तार है। ये 4 तार वाला है 180 का, 4 तार का एक रील। ये निकाली भाई ने वसीम अकरम की चरखी। कितने रील है भाई? 6 रील। 6 रील का मांझा आ गया और पड़ेगा कितने का? 850। 850 का 6 रील मांझा। ये 1-2-3 चार तार में। ये 4 तार में देखो, छत के लिए सबसे बढ़िया यही है आजकल 4 तार। और रील कितनी भाई है? 6 रील। 6 रील प्राइस 900 रुपये। 900 रुपये का 6 रील है, ठीक है भाई। साबिर भाई ने अब निकाला 1-2-3 का मैदानी मांझा। देखो बहुत प्यारी चरखी लग रही है, ट्रांसपेरेंट। और नाम देख लेते हैं इसमें, अली मिर्ज़ा का। ये क्या है इसका भैया? तो भाई कितने रील का मांझा ये? 6 रील का मांझा। 6 रील मांझा 900 का। 900 रुपये का 6 रील मांझा और 1-2-3 का देखो प्योर मैदानी मांझा। तो मैदानी शौकीन जो लोग हैं ना ये मांझा ले सकते हैं। देखो मैदानी मांझे बहुत सारे भाई ने ऊपर भी लगा रखे, ठीक है। फिलहाल हाँ, क्यों फिलहाल हम अभी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैदानी सीज़न नहीं है अभी, है छतों का सीज़न। इसीलिए हमें 4 तार और 6 तार C28 8400 ऐसे मांझे देखने। तो इन वाले मांझों को कभी और कवर करेंगे जब मैदान का सीज़न होगा। और देखो इनके पास छोटे छोटे पतंगे भी है भाई। छोटी पतंगों का क्या रेट होगा? ये छोटे छोटे हाँ 25 रुपये का पतंग। ये 25 रुपये का 20 पतंगों की, ये 20 पतंगों का पैक है 25 रुपये का। ये सजावट के काम आ सकता है आपके। इसमें भी बहुत सारे कलर मिक्स हैं। इसमें बहुत सारे कलर, 20 पतंगें तो यानी कि 5-6 कलर हैं इसमें। 5-6 कलर हैं इसमें, 20 पतंगें। ठीक है बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत अच्छी लग रही है छत पे सजाने के लिए, घर पे सजाने के लिए बहुत काम की चीज़ है। और ये भाई वो लेंटन जो लगी है वो खान के लिए भी काम आती है, घर के लिए काम आती है। वो जो लालटेन है जो उड़ाते हैं बैलून 25 रुपये का ये 25 रुपये का एक है। ये हम 15 अगस्त में उड़ाते हैं ना शाम के टाइम पर, ये 25 रुपये का एक पड़ेगा। भाई के पास खाली चरखियाँ भी अवेलेबल हैं, देखो लग रही लाइन में भाई। 12 रील की है ना सबसे नीचे? हाँ। ये रेट बता दो इसका। 120 रुपये। 120 की 6 रील वाली 60 रुपये। 60 रुपये की। ये भी 6 रील है, ये 50 की है। और ये 3 रील है, ये 40 की है। ये 2 रील है, ये 30 की है। 3 रील वाली 40 की और 2 रील वाली 20 की। 30 की है, ठीक है। और लकड़ी वाली इसका ये 15 रुपये की है। तो ये बाकी छोटी छोटी चरखियाँ छोटे बच्चों के लिए, देखो ऊपर लग रही हैं, ठीक है। मेन तो ये चलती हैं 3, 6 और 12 वाली चलती हैं। भाई भाई के पास काइट बैग भी रखे हैं, देखो बैग ये वाला है भाई। कितने इंच का बैग होगा ये? पतला है, दिखा दो वैसे दिखा दो। इंच का बैग होगा ये, पतला बैग है। 200 पौनी पतंग आ जाएंगी दवात के, मतलब कोई एक्सपीरियंस बंदा कर देगा, ठीक है। मतलब बैग भाई बैग अवेलेबल होंगे ना आपके पास? ठीक है, जैसे ये बैग लग रहा है और एक कपड़े का बैग ऊपर भी लगा हुआ है ये वाला। और भाई ये वाला कितने का पड़ेगा? ये 350 रुपये का है। 350 का बैग। और ये 400 रुपये का है। और ये वाला 400 रुपये का, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको बल्क में पतंगे लेनी हो तो बेस्ट है अपना बैग भी ले लो और पतंगे भी ले लो। तो भाई चाहे रिक्वायरमेंट बड़ी पतंग की हो, कलरफुल पतंगों की हो, चरखियों की हो, मांझे की हो, या पतंगों की हो, सब कुछ अवेलेबल है किशोरी काइट्स के पास। तरुण भाई से संपर्क करें जब भी ज़रूरत हो। और इनके पास होलसेल का काम ज़्यादा है, रिटेल में भी बेचते हैं बट रिटेल में थोड़ा रेट बढ़ जाता है कल तक। तो ठीक है, यहाँ वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। खाली बैठे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग काइट क्रेजी जोन।